Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Stars and Angels, welcome to Adda 24/7, government job in your pocket, 10th October और सुबह के 5 बज चुके हैं, आपका vocabulary developer आपके सामने आ गया है, peculiar English को लेके, तो guys, शुरू से लेके end तक आप लोगों को इस वीडियो को देखना है और वीडियो के end में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कुछ peculiar idioms और phrases आप लोगों को आज पता चल चुके हैं, तो देखते हैं आज का पहला word क्या है, computer महोदय जरा हमारे सामने पहला word दिया जाए और ये है आपका fluke and luck. दो वर्ड हैं और मुझे ये दोनों वर्ड आप लोगों को समझाने हैं. देखिए कैसे. फ्लूक का मीनिंग क्या होता है, आपने सुना होगा तुक्का. हिंदी में जो तुक्का होता है इंग्लिश में वो क्या होता है, फ्लूक. इसीलिए आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, ये सेशन इसलिए तो पिक्यूलियर है, आप लोगों को ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स में देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा भी लगे और आपका नॉलेज भी इंप्रूव हो जाए. फ्लूक जो होता है वो आपका वो काउंटेबल नाउन होता है और उसका मीनिंग क्या होता है, तुक्का होता है. लक जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है और भाग्य होता है. अगर आप बोलोगे ही हैज अ गुड लक, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लक जो होता है आपका वो अनकाउंटेबल होता है और उसके सामने ए नहीं आता. आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी पता चल जाती हैं यहां पर, आप लोगों को इसलिए ही ये चीजों को देखना चाहिए. तो दे यहां पे लिखा हुआ, दे वोन द मैच बाय अ फ्लूक, एक तुक्के से जो उन्होंने क्या किया, मैच को जीत लिया. तो जैसे इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन, आप लोग कई बार आप लोगों को एग्जाम में जाते हो तो आप लोगों को ऑप्शन ए बी सी डी लिखा मिलता है, वहां पे आप क्या करते हो, कई बार आपको लगता है हाँ माता रानी भोलेनाथ आप और भी अपने जो भी आपके देवता होते हैं उनको याद कर लेते हो, बोलते हो ऑप्शन क्या होना चाहिए, वो बोलता है ऑप्शन ए, आप ऑप्शन ए लगा देते हो, ऑप्शन बी लगा देते हो. यहां पे जो आप लोग चीजें यूज करते हो वो क्या होता है, वो तुक्का होता है, कंसेप्ट नहीं होता. तो यू कैन से वो क्या होता है, फ्लूक होता है और लक आपका होता है भाग्य. तो दोनों के दोनों वर्ड को अलग अलग तरीके से आप लोगों को याद करना है. आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड वर्ड की तरफ. सेकंड वर्ड हमारा है आपके सामने, वो है आपका ग्रीन स्टफ. बहुत ही अच्छा फ्रेज है ये. ग्रीन स्टफ का मतलब क्या होता है, ग्रीन स्टफ का मतलब होता है क्या, आपकी वेजिटेबल्स या सब्जियां, उनको आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टफ बोलते हैं. तो एक नया वर्ड है, यूनिक है, पिक्यूलियर है, विचित्र है, आप लोगों को याद होना चाहिए. ग्रीन स्टफ में बोलेंगे वेजिटेबल्स आर कॉल्ड व्हाट, ग्रीन स्टफ. कंप्यूटर में होते जरा एक बार इसको इसका पिक्चर भी दिखाया जाए. आई लाइक ग्रीन स्टफ अलॉट, मुझे बहुत पसंद है भाई. तो ये ग्रीन स्टफ मैंने आप लोगों को कुछ दिखा दिया, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं. तो ये आप लोग देखेंगे, ये ग्रीन स्टफ का आपका पिक्चर है और ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, आपकी वेजिटेबल्स जो है वो ग्रीन स्टफ में आती है. आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड वर्ड की तरफ. और तीसरा वर्ड है हमारा ग्रे बियर्ड. पहले इसका पिक्चर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रे बियर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो ग्रे बियर्ड होता है उसको ओल्ड मैन को आप लोग ग्रे बियर्ड बोलते हो. अगर आप बोलोगे ही इज एन ओल्ड मैन, तो ये थोड़ा सा आप लोगों का, आप ये काटता हूं यार, यहां से करते हैं. जब आप बोलते हो ओल्ड मैन, तो आज के बाद ओल्ड मैन ना बोल करके आप लोग बोलोगे ही इज अ ग्रे बियर्ड. तो ये बात, ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो किसी भी ओल्ड मैन के लिए. कंप्यूटर में होते जरा एक बार इसको दिखाएंगे. एन ओल्ड मैन होता है आई वॉज एकॉस्टेड बाय ए ग्रे बियर्ड. मतलब क्या, मुझे टोका गया, मुझे रोका गया एक बूढ़े आदमी के द्वारा. एकॉस्ट का मतलब होता है रोकना, टोकना. एकॉस्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वर्ड कराया हुआ है. तो आई वॉज एकॉस्टेड बाय अ ग्रे बियर्ड, इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं. तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. जल्दी से इसको लाइक कीजिए और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे एसएससी अड्डा का पार्ट बन सकते हैं. आइए मैं आप लोगों को एक बार अपने जो मेरा शेड्यूल है सारा दिन का उसको एक बार बता देता हूँ. 5 AM पे मैं अपने पिक्यूलियर इडियम्स और फ्रेजेस का सेशन लेता हूँ जो कि अभी चल रहा है. 4 बजे हम जो है CPO के लिए पूरा बैच हम लोगों ने चला रखा है, जिसमें पहली क्लास इंग्लिश की मेरी होती है और फिर रीजनिंग का और मैथ का और GS का क्लास चलता है. तो उसमें मैं CPO के लिए और दूसरे भी जो एग्जाम है आपके, चाहे वो CGL हुआ, उसके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाता हूँ. 10:30 पे जो मेरा क्लास है वो मेरा वोकैब ट्रिक्स का है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट. आधे घंटे में मैं आप लोगों को वोकैब की कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ वोकैब के फोटोग्राफिक मेमोरी से बताता हूँ, कुछ वोकैब को सेंटेंस के बताता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से वोकैब आ जाए. और 11 PM पे जो मेरा शो होता है वो है मेरा ग्रामर फॉर ऑल एग्जाम्स. कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन डिटेल हम ग्रामर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मेरे इनमें से चारों के चारों शो को आप देख लीजिए. मात्र 1 घंटा या 1.5 घंटा आप लोगों को लगाने की जरूरत है. अगर आप इनको यूज कर लेंगे
आप अपने टाइम को इसको यूज़ कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा एग्जाम में होने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।